दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल एबीटेक में। आज है 20 अक्टूबर 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर अपडेट दी गई है कि अगर पढ़े लिखे ज़्यादा हैं तो छोटी नौकरी से रहें दूर। अभी तक ऐसी व्यवस्था कई भर्तियों में है जहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन कम होती है और इसमें हायर क्वालिफिकेशन वाले भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अब ऐसी व्यवस्था बनने जा रही है जहाँ पर अगर छोटी नौकरी है, जैसे सपोज करो हाई स्कूल पास मांगा गया है, इंटर पास मांगा गया है और आप बीएससी एमएससी वाले हैं तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। ऐसा ही मामला यहाँ पर निकल के आ रहा है आउटसोर्सिंग से जो भर्तियाँ हो रही हैं एडेड इंटर कॉलेजों में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर, इन चपरासी की भर्तियों के बारे में। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रदेश सरकार आउटसोर्सिंग से होने वाली कर्मचारियों की भर्ती व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए 12वीं से ज़्यादा पढ़े युवा अयोग्य होंगे। एक जैसा काम करने वालों के पदनाम, उनकी शैक्षिक योग्यता और मानदेय भी तय किया जाएगा। प्रदेश के सरकारी विभागों व उनके अधीनस्थ संस्थाओं में आउटसोर्सिंग के जरिए कर्मचारी रखे जाते हैं। लंबे समय से कर्मचारी संगठन इन लोगों के शोषण की शिकायतें कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस व्यवस्था में सुधार के दिशा निर्देश दिए थे। इस संबंध में श्रम विभाग ने एक कैबिनेट प्रस्ताव 10 अक्टूबर को उन्हें भेजा था। सीएम के सुझावों को शामिल कर बने प्रस्ताव अगले ही दिन मुख्य सचिव दुर्गा शंकर ने बैठक में से अंतिम रूप दे दिया। तो कुल मिलाकर के इंटर कॉलेजों में जो चपरासी की भर्तियां होती हैं वहाँ पर फिलहाल ये व्यवस्था के बारे में जानकारी निकल के आई है कि यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है आवेदन करने की वो 12वीं पास है, ठीक है, न्यूनतम 8वीं पास है और अधिकतम 12वीं पास है। और अगर इसमें जो है कोई बी ए हायर क्वालिफिकेशन का आवेदन करता है तो आने वाले टाइम पर वो अयोग्य हो जाएगा। मतलब ये है केवल 12वीं पास जिसने किया है मैक्सिमम वही यहाँ पर आवेदन कर पाएगा। तो आप लोग बताओ जरा ये व्यवस्था कितनी सही है, आप इस व्यवस्था से कितने संतुष्ट हैं। यहाँ पर देखो अपडेट है कि CUET ने डुबोदी प्रवेश की लुटिया, आज अंतिम मौका। सत्र तो पिछड़ा ही, बड़ी संख्या में खाली रह गई स्नातक की सीटें। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET ने इस बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय और संघटक महाविद्यालयों में प्रवेश की लुटिया डुबोदी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने तो वक्त रहते स्थिति संभाल ली, लेकिन कॉलेजों में बड़ी संख्या में सीटें खाली रह गई हैं। 20 अक्टूबर को प्रवेश की अंतिम तिथि है यानी आज। CUET का परिणाम इस बार काफ़ी देर से आया जिसकी वजह से प्रवेश भी देर से शुरू हुआ। CUET का परिणाम आने के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने अभ्यर्थियों के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया और यह शर्त रख दी कि बिना पंजीकरण के अभ्यर्थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संगठक महाविद्यालय में प्रवेश नहीं ले पाएंगे। CUET में शामिल बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया ही नहीं। कॉलेजों में जब प्रवेश शुरू हुआ तो पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी कम थी। कॉलेजों को BA, BSc, BCom में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी नहीं मिल रहे थे। ऐसे में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अकेडमिक काउंसिलिंग को पंजीकरण की अनिवार्यता हटानी पड़ी। यहाँ तक कि उन अभ्यर्थियों को भी कॉलेज में प्रवेश की अनुमति दे दी गई जो CUET में शामिल ही नहीं हुए थे, ठीक है। तो यहाँ बताया गया कि CUET ने इस बार बहुत गड़बड़ किया है और बहुत सारी सीटें खाली चली गई हैं स्नातक की। यहाँ पर देखो अपडेट है कि CET नर्सरी और NTT के लिए पंजीकरण कल से। परीक्षण एवं प्राधिकारी कार्यालय की तरफ से CET नर्सरी और NTT DPE और DPED प्रशिक्षण 2023-24 के लिए दाखिले के लिए जो कार्यक्रम है जारी कर दिया गया है। सचिव PNP अनिल भूषण चतुर्वेदी की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक ऑनलाइन पंजीकरण 21 अक्टूबर से शुरू होगा। इसकी अंतिम तिथि 24 नवंबर है। 27 नवंबर तक शुल्क जमा होगा। ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करने की और प्रिंट करने की डेट 30 नवंबर तय की गई है। तो अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा भी आवेदन निर्धारित की गई है। 1 जुलाई 2023 को आवेदन करने वालों की उम्र 18 साल, अधिकतम 35 साल होनी चाहिए। CET नर्सरी NTT केवल महिलाओं के लिए है। DPED प्रशिक्षण में महिला और पुरुष दोनों भाग ले सकते हैं। तो आपको बता दें एक तरीके से कोर्स है प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए। तो अगर आप चाहते हैं इसमें शामिल होना, इसमें शुरू करना, तो आप लोग इसके लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं कल 21 अक्टूबर से। देखो यहाँ पर अपडेट है कि प्राइमरी TET के 4.43 लाख प्रमाण पत्र भी फंसे। सुप्रीम कोर्ट ने दिया था फैसला, हाई कोर्ट के आदेश का इंतजार।
अब आप लोग जानते हैं यूपी टीटी 2021 के सर्टिफिकेट और प्रमाण पत्र की यहाँ पर बात हो रही है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इस परीक्षा में बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल था, लेकिन कुछ अभ्यर्थी थे जो हाईकोर्ट गए थे और हाईकोर्ट ने यूपी टीटी प्रमाण पत्र बांटने को लेकर के बीएड को प्राथमिक में रोक लगा दी थी कि बीएड वाले के प्रमाण पत्र जो है प्राथमिक के नहीं मिलेंगे जब तक हाईकोर्ट से मामला निस्तारित नहीं हो जाता है। वहीं पर वो मामला जो टैग था सुप्रीम कोर्ट से टैग था। तो अभी हाल ही में 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है बीएड को पीआरटी से बाहर कर दिया है। तो यहाँ पर जो है प्रमाण पत्र बटने की उम्मीद जगी, लेकिन इसी बीच क्या हुआ, जो हाईकोर्ट में केस लगा था ठीक है वो अभी तक निस्तारित नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से यहाँ पर डायट को तो भेज दिया गया है सभी प्रमाण पत्र, लेकिन बटने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि जब तक मामला हाईकोर्ट से निस्तारित नहीं हो जाता है तब तक प्रमाण पत्र नहीं बटेंगे। यही कारण यहाँ पर है कि 4.43 लाख अभ्यर्थियों के जो प्रमाण पत्र हैं कुल मिलाकर के वो फंसे हैं, अभी भी कोई भी फैसला इनका नहीं हो पाया है। और यहाँ बताया गया है कि छोटी मोटी बात पर धरना प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थी भी पिछले 1.25 साल से चुप बैठे हैं इस मामले को लेकर के, और इस अगर कुछ धरना प्रदर्शन होता तो शायद कुछ इसका असर अलग होता। फिलहाल यहाँ पर जो है मामला ठंडे बस्ते में चल रहा है, हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार है। जब हाईकोर्ट का आदेश आएगा उसके बाद प्रमाण पत्र ये बटेंगे। और आपको बता दें यहाँ पर कि बीएड से अधिक डीएड वाले पास थे, ऐसी जानकारी निकल के यहाँ पर दी गई है। तो 2,16,000 प्रमाण पत्र उच्च प्राथमिक स्तर के भी डाइट में रखे हुए हैं और 5 साल से भर्ती नहीं आ रही, तो अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र की भी चिंता नहीं रह गई है। देखो यहाँ पर अपडेट है कि पुलिस में अब 20% भर्ती महिलाओं की होगी। मुख्यमंत्री ने हाथरस में सभी वर्गों को अब योजनाओं का लाभ देने की बात की और यहाँ पर महिलाओं के लिए 20% पुलिस में पद आरक्षित करने की बात उन्होंने कही है। तो महिलाओं के लिए 20 पद एक तरीके से आरक्षित होंगे पुलिस भर्तियों में। यहाँ पर एक बड़ी अपडेट आप सभी के लिए है, 72,825 शिक्षक भर्ती को लेकर के लिखा है कि 12,091 अभ्यर्थियों को अब तक नहीं मिली नियुक्ति, चयनितों को नियुक्ति पत्र नहीं देने पर जवाब तलब किया गया है। इसमें तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 72,825 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में चयनित 12,091 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के बावजूद अब तक नियुक्ति पत्र नहीं देने के मामले में बेसिक शिक्षा परिषद और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को इस मामले में हलफनामा देकर के ये बताने को कहा है कि किस कारण अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल ने विनय कुमार पांडे व अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी और सरकारी वकील को सुनकर के दिया है। चयनित अभ्यर्थियों का पक्ष रख रहे एडवोकेट अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था कि 72,825 सहायक अध्यापक भर्ती मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बेसिक शिक्षा परिषद ने 65 से 70% अंक पाने वाले योग्य अभ्यर्थियों की सूची तैयार की, जिसमें 12,091 अभ्यर्थी चयनित हुए। उनकी काउंसलिंग भी करा ली गई उन्हें, लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। उधर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके जानकारी दी कि 6,655 अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर दी गई है। इस जानकारी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी। इसके बाद 12,091 जो अभ्यर्थी हैं फिलहाल उन ठंडे बस्ते में चल रहा है और मामला सुप्रीम कोर्ट जो है लेकर के चले गए हैं, और फिलहाल ये मामले की जो सुनवाई है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में हो रही है। वहीं पर यूपी SSSC की तरफ से एक भर्ती आई थी, एक्सरे टेक्नीशियन की 2016 की भर्ती है, 29 पदों पर भर्ती आई थी। तो फिलहाल कल 19 अक्टूबर को नोटिस जारी करके इस भर्ती को रद्द कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए विभाग ने कहा है कि इस भर्ती प्रक्रिया को आगे न बढ़ाया जाए और अधियाचन वापस भेज दिया जाए, जिसमें यूपी SSSC ने निर्णय लिया है कि यह भर्ती रद्द होगी और फिलहाल यह भर्ती को रद्द कर दिया गया है। KVS PRT का रिजल्ट जारी कर दिया गया। अगर आप अपना स्कोर देखना चाहते हैं तो लॉगिन करके आप लोग दे सकते हैं, GovernmentJobCenter.com पर लिंक एक्टिवेट है, वहां से जा करके आप लॉगिन करके अपना जो नॉर्मलाइज स्कोर है वो देख सकते हैं। साथ ही एकलव्य मॉडल विद्यालयों में भर्ती के बारे में आप लोगों की सूचना है कि इसके लिए करेक्शन विंडो ओपन हो चुकी है EMRS में, तो करेक्शन आज 20 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक कर सकते हैं। लिंक GovernmentJobCenter.com पर लगा हुआ है, आप वहां से जाकर करेक्शन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।